4 नवंबर 2022 एक छोटा जिहा आपू ही बनिया धड़ा जिहदा आगू सूरी तुहानू पता है कतल कर दिता गया। मैं बेनती करा किसे दी भी जान चली जावे बड़े अफसोस की गल है, पर सूरी ने अपनी करनी करके ये रस्ता चुनिया, अपने अगे आप उन्हें अंग्यार विछाए ने ते सिंह ने उन्हें करनी का फल भुगता दिता। सूरी कोई हिंदू धर्म का आगू नहीं सी, ना उन्हें देश लई ना कौम लई कोई नेक कर्म किया है। जहर सिख जगत के खिलाफ रोज ही उगलता रहा। कहिंदा सी मीडिया विच सिख 2% ने मसल देवांगे, सिख बाहरले मुल्कां विच दौड़ा देवांगे, इन्हां दीआं धीआं भैणां नूं असीं सांभांगे। तो जिहड़े उहदे कंडियाले बोल ने इन्हां बोलां करके उहनूं सज़ा मिलनी सी, कानून नहीं दे सकिया ते सिंह ने दे दित्ती। इहनूं हिंदू सिख दा झगड़ा बनाया जा रहा है, इदां दी कोई गल नहीं है। सरकार नूं जे समझ हुंदी ते जिस दिन उन्हें जहर उगलिया सी उन्हूं नत्थ पाई जांदी, उन्हूं सिक्योरिटी ना दित्ती जांदी, उन्हूं होर भूए चढ़ाया सरकार ने। और याद रखियो जिस दिन इहदा कतल होया कुछ सिर फिरियां आखिया सी भी असीं सिखां नूं मिटा देवांगे। सिद्धू मूसेवाला याद है ना, साडा ही भरा सी। चलो हुण ते ओह अपने गीतां विच धर्म दी सिखां दे हक्कां दी गल कर रहा सी। जिन्हें भी शूटरां ने उहदे ते गोली चलाई है 99% ओह हिंदू धर्म नूं बिलोंग करदे ने। किसे सिख ने नहीं आखिया पंजाब विच हिंदू घट गिणती ने असीं हिंदुआं नूं मसल दवांगे। मैं एक गल कह दवां तुहानूं भी, जे कोई हिंदू वीरां दीआं धीआं भैणां नूं बेपत करन दी गल करे, हिंदू धर्म के प्रति जहर उगले ते जे सरकार उन्हूं सजा ना दवे ते फिर हिंदू आप ही सजा देवेगा ना, देनी बनती है। जदों सिरों पानी लंघ जावे ते फिर शस्त्र ते हर कोई उठाउंदा है। बस सूरी दे नाल यही कुछ होया है। सिखां दा किसे धर्म दे नाल वैर नहीं, पर जे कोई सिखां नूं सूरी वांगू वंगारदा है, धीआं भैणां नूं बेपत करन दी बात पाउंदा है, ते फिर खालसा सेवा करदा रहा है ते करदा रहेगा। किसी भी धर्म के रहबर बारे, महापुरशां बारे, धीआं भैणां बारे ना बोलो, अपने धर्म का प्रचार करो, खंडे की पौल छको, गुरु वाले बनो। मेरे तो गुरमुख प्यारे पहला कह रहे सी बंदी सिंघां दे लई लामबंद होवो। इत्थे ह्यूमैनिटी का घाण किया जा रहा, इस देश विच कोई दो राय नहीं है। इत्थे रेपिस्ट लोगों नूं पेरोल मिलती है, रिहाई मिलती है, ते इत्थे सिखां दे लई कानून वखरे ने। उम्र कैद भोग चुके बंदी सिंघां नूं भी रिहा नहीं किया जा रहा। मैं तुहानूं तां बेनती कर रहा है 4 नवंबर 2022 एक छोटा जिहा आपू ही बनिया धड़ा जिहदा आगू सूरी तुहानूं पता है कतल कर दिता गया। मैं बेनती करा किसे दी भी जान चली जावे बड़े अफसोस की गल है, पर सूरी ने अपनी करनी करके ये रस्ता चुनिया, अपने अगे आप उन्हें अंग्यार विछाए ने ते सिंह ने उन्हूं करनी का फल भुगता दिता। सूरी कोई हिंदू धर्म का आगू नहीं सी, ना उन्हें देश लई ना कौम लई कोई नेक कर्म किया है। जहर सिख जगत के खिलाफ रोज ही उगलता रहा। कहिंदा सी मीडिया विच सिख 2% ने मसल देवांगे, सिख बाहरले मुल्कां विच दौड़ा देवांगे, इन्हां दीआं धीआं भैणां नूं असीं सांभांगे। तो जिहड़े उहदे कंडियाले बोल ने इन्हां बोलां करके उन्हूं सज़ा मिलनी सी, कानून नहीं दे सकिया ते सिंह ने दे दित्ती। इहनूं हिंदू सिख दा झगड़ा बनाया जा रहा है, इदां दी कोई गल नहीं है। सरकार नूं जे समझ हुंदी ते जिस दिन उन्हें जहर उगलिया सी
ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਭੂਏ ਚੜਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, 99% ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਆਪ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ, ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਵਾਂਗੂ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਬਾਰੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੋ। ਇੱਥੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੇਪਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ